जगह है वो खत्म करते हैं, उसके बाद तो बचेगा सिर्फ एक ट्रांसफर एक्सिस, उसको आपको हम लोग नोट्स दे देंगे या उसको विदिन लिखवा देंगे। काम खत्म भाई, कल छुट्टी पढ़ाई है। हमको नहीं पता जी। तुम्हारे चक्कर में हमको तीन क्लास हो लेना रहता है ना। बहुत सब वो भी सब पर मन नहीं है, सब मजबूरी है। तुम्हारे सही है। हो गया जी। और सब कहाँ है जी? कहाँ गया जी वो? लिखो मोमेंटल इलिप्सॉइड। देखो भाई जल्दी जल्दी इसको पढ़ा जाए जी, बहुत हम लोग क्या करें। बीच में हो आ गया था ना न्यूमेरिक एनालिसिस। देखो मोमेंटल इलिप्सॉइड ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। वो स्टार्ट है जी? कब से स्टार्ट है? अभी अभी। चलो आप है क्या ना जी? हैं? देखो बाबू जो पढ़ाने जा रहे हैं पहले उसको समझ लो। देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है जी? वाई एक्सिस है, ये क्या है जी? जेड एक्सिस। देखो इलिप्सॉइड क्या होता है पता है ना? ऐसे कोई इलिप्स है तो उसको हम रोटेट करते हैं, इससे अंडा होता है वो हमारा क्या है जी? इलिप्सॉइड है। तो हम मोमेंटल इलिप्सॉइड में जो काम करने वाले हैं, देखो क्या क्या काम करने वाले हैं। ये तुमको हमने मान लिया ये क्या है? कोई लाइन है, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है जी? आर है। वो आपका ओ है, ये आपका क्या है जी? पी है, ठीक। तो तुमने ये पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अगर किसी लाइन का एल एम एन, अगर डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जी? एल एम एन हो, तो तुमने पढ़ा है कि इस लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था? पढ़ा है बताओ क्या होता था? ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर माइनस, बोलो क्या होता था? टू डी, हमको याद नहीं है जी, टू डी एम एन माइनस टू ई एन एल माइनस क्या जी? टू एफ एल एम, ये होता था। जहाँ पे ए बी सी क्या होते थे जी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और डी ई एफ क्या होता था जी? प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। ये हमको पता है कि अगर कोई लाइन ओ पी है, अगर उस लाइन का अगर डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन हो, तो हमारा ये फार्मूला होता था। अब हम एक ऐसा मोमेंटल इलिप्सॉइड, देखो अगर तुमको याद हो हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट भी की हैं, कल मैं इसको देख रहा था नेक्स्ट टाइम पर ही पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरी सैटरडे को तो क्लास चली नहीं थी। ऐसे मान लो देखो जो इक्वेशन ऑफ इलिप्सॉइड होता है क्या होता है, पहले हम लोग इलिप्स आते हैं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो आपका क्या होता है जी? इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है, ठीक। अगर हम क्या करते हैं जी, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर अपान क्या जी? बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इक्वल टू क्या जी? वन। तो इक्वेशन ऑफ क्या होता है जी? इलिप्सॉइड होता था, ठीक है ना। अच्छा ये तुम्हारा ठीक है भाई। अब ये हमारा सेंटर क्या है जी? इसका ओरिजिन होता था। लेकिन अगर तुम पढ़े होगे, अगर एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई अपान समथिंग दिस प्लस दिस इक्वल टू वन, तो हम क्या कहते थे जी? ये इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन नहीं है। इसका सेंटर हमारा क्या जी? ओरिजिन नहीं होता था, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी है।
अगर सेंटर ओरिजिन नहीं होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं मोमेंटल इलिप्सॉइड। तो जो हमको यहाँ पे लाना है, या और एक चीज़ देखो, जो हम लोगों ने पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या जी, वन। ये कहाँ पढ़ा था जी, कॉनिकॉइड में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, सेंट्रल कॉनिकॉइड। इसमें अगर ए बी सी तीनों पॉजिटिव होता था तो उसे हम क्या कहते थे जी, एलिप्सॉइड कहते थे। अगर दो पॉजिटिव एक नेगेटिव होता था तो हम लोग क्या कहते थे जी, हाइपरबोलाइड वन सेट। अगर दो नेगेटिव एक पॉजिटिव तो उसे हम लोग बोलते थे हाइपरबोलाइड विथ टू सेट। ये सब सेंट्रल कॉनिकॉइड में भाई पढ़े हो, ठीक है ना, ये सब सेंट्रल कॉनिकॉइड में पढ़े हैं आप। हमको इसमें जो बताना है, ये हमको बताना है कि जो हम इस ओपी का लिखेंगे इसमें हम एक और रिस्ट्रिक्शन लिखेंगे। देखो फिर से समझो, कोई भी एक्स वाई जेड है, आसान है जी, अगर इलिप्सॉइड समझ लिए तो इलिप्स आसान है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओपी कोई लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या है जी, एल एम और एन है। तो हमें ये दिखाना है कि जो एक क्वेश्चन आएगा वो मोमेंटल इलिप्सॉइड आएगा, मतलब ए बी सी के साथ जो भी आएगा ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस समथिंग, मतलब उसका ओरिजिन जो उसका सेंटर होगा ओरिजिन नहीं होगा, ठीक है ना, वही हमको दिखाना है। और तुमको अच्छे से पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा जी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। यहाँ पे देखो, अब हम ओपी ऐसा हम मानेंगे बाबू, ओपी ऐसा मानेंगे कि हम अगर इस लाइन को हम टर्न करें, अगर हम लाइन को ऐसे टर्न करें तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो हम ओपी ऐसा डिस्टेंस लेंगे कि यह हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो, ओपी स्क्वायर हो। हमेशा हम ओपी ऐसा लाइन लेंगे कि अगर हम ये लाइन चेंज करें, डायरेक्शन कोसाइंस अगर चेंज हो, तो हमारा ये जो ओपी है हमेशा जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए वह क्या हो, वन अपान ओपी की स्क्वायर का ए हो, जब भी इसको हम लाइन को टर्न करें, ठीक है। ये हम रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे इसको डालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी, आपके बुक में लिखा है इसको लिखा है एम के टू पावर फोर या स्क्वायर किया गया है कांस्टेंट को, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस क्या है जी, आर स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो ए इंटू वहाँ पे क्या है, आर है ना, तो यहाँ पे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे एल आर का होल स्क्वायर बी एम आर का होल स्क्वायर प्लस सी एन आर का क्या जी, होल स्क्वायर माइनस टू डी, एक हो जाएगा आर एम, एक क्या हो जाएगा जी, आर एम, फिर माइनस टू ई, बताओ क्या हो जाएगा, आर एन आर एल, फिर माइनस टू एफ आर एल इंटू क्या जी, आर एम इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, कांस्टेंट। अब तुमको पता है डायरेक्शन कोसाइन है तो यह एंगल मान लेते हैं क्या जी, अल्फा। ये आपका अगर इसमें हम ऐसे डाल दें तो परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस क्या है जी, एक्स। तो तुमको पता है कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, आर कॉस अल्फा, ठीक है। तो जैसे आर कॉस अल्फा होगा इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, आर इंटू एल हो जाएगी। इसी तरह से जब वाई एक्सिस से बनेगा तो क्या बनेगा जी, बीटा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, आर इंटू एम। जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू एन। ये सब अभी हम समझा रहे हैं जी, बताओ क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस टू डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, वाई जेड, फिर माइनस टू ई, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, जेड एक्स माइनस क्या जी, टू एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या जी, कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे ए बी सी हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो अब ये हमारा इक्वेशन ऑफ क्या है, एलिप्सॉइड है, इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड है, लेकिन इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन नहीं है, इसीलिए यह क्या है हमारा, मोमेंटल एलिप्सॉइड है।
सेम टू सेम यही काम मोमेंटल एलिप्स में करना है, सेम टू सेम काम, ठीक है। आज इसको लिखिए, थोड़ा फास्ट लिखिए सर, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, बट बहुत बार पूछा गया है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं बहुत बार, ठीक है। आज इसको ख़त्म करना है जी, 15 मिनट तुमको लेट से मिलता है जी। लिखो, इफ़ ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ आर मोमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ गिवन बॉडी अबाउट थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रो अ पॉइंट ओ then the moment of inertia of the body about a line, इसे हम मान लेते हैं क्या जी, क्यू मान लेते हैं, ए लाइन हमारा क्या जी, क्यू, अबाउट अ लाइन ओ क्यू whose direction cosines are L comma M comma N is given by, इसको लिख लीजिए, इतना थोड़ा फास्ट लिखिए आज जो है। अच्छा, कोई मोबाइल एक ना हो तो मोबाइल लाई हो, मोबाइल बाहर निकाल देखना कितना हो रहा टाइम, ठीक है ना, टाइम देखते रहना, ठीक है। इज गिवन बाय, इसके लिखो, ये सब बहुत इजी है जी, ये सब देखो 2006 और 13 में पूछा गया है इसके कृष्णा पब्लिकेशन के अनुसार, ठीक है। ये हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि ओपी ऐसा डिस्टेंस लेते हैं जो हम टर्न करें तो हमेशा इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्या हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है ना। लिखो, लेट दिस लाइन, जैसे बाबू स्टेटमेंट इसमें है वैसे स्टेटमेंट मोमेंटल एलिप्स में है, उसमें क्या होगा, सिर्फ एक्स और वाई आएगा, नहीं जी, इसमें एक्स वाई जेड है, उसमें सिर्फ एक्स और वाई आएगा। लिखो, लेट दिस लाइन ओ क्यू टर्न इन एनी मैनर अबाउट द गिवन पॉइंट ओ एंड लेट पी बी अ पॉइंट ऑन ओ क्यू such that the moment of inertia of the body about OP is proportional to the inverse square of the length OP। ठीक, फिगर ना हो तो आप बना लीजिए, ठीक है ना। ये हमने बस आपको
समझाने के लिए बनाया है अल्फा, ठीक है, क्योंकि आप पूछते जरूर हमसे कि सर ये कैसे आ गया x बराबर, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना, x बराबर आर एल, y बराबर आर एम, z बराबर आर एन, ठीक है, फिगर बना लीजिए, फिगर कोई इंपॉर्टेंस रोल नहीं है इतना, ठीक है, P ऐसा पॉइंट है लाइन पे, हम अगर इसको टर्न करें, अगर हमारा लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस हो तो भी उसके जो प्रोपोर्शनल होगा वन अपान ओ पी स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस होगा आर, लिखिए दैट इज, उसके बाद फिगर में इस जो लिखा है उसके बाद ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस, लिखा तो है जी यहाँ पे, चुप्ठ हम लिख रहे हैं, दैट इज इसको लिख लीजिए। देखो अब इसको या तो आप कांस्टेंट अपान क्या जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और आपके बुक में यहाँ पे एम के की पावर क्या किया है जी, फोर किया गया है। एक आप देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, वंदना की बुक है ना जी, किसकी बुक रखे हो, एक्सरसाइज खोलो, देखो ए एम की पावर फोर उन्होंने लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं होगा, कांस्टेंट ही होगा, ठीक है ना, देखो मोमेंटरी लिप्स भी उन्होंने किया है, मोमेंटरी लैप्स आर्ट भी किया है, ठीक है, 2006 9 11 13 16 बहुत बार पूछा गया है। इस पर जो क्वेश्चन बाबू, ऐसा देखो, चाहे एग्जांपल नंबर 3 हो, पेज नंबर 93, चाहे एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, ये हम आज क्वेश्चन कराएंगे एक्सरसाइज का, ठीक है, बाकी आप कर लेना। जैसे एक्सरसाइज से क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 98, देखिए यहाँ भी लिखा गया ना, सो दैट मोमेंटम इलिप्सॉइड एट द सेंटर ऑफ इलिप्सॉइड, ठीक है ना, ये भी देखिए इक्वल टू क्या लिखा है, कांस्टेंट लिखा है। तो हम जो है, आप चाहे इसको कांस्टेंट अपान आर स्क्वायर कर सकते हैं, चाहे एम की पावर एम इंटू के की पावर फोर भी कर सकते हैं, यहाँ पे के क्या है जी, कांस्टेंट है, ठीक है, लिखिए ओ पी स्क्वायर, इसको लिख लीजिए, ये आप ध्यान देना जी, ये जो भी है कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये इस पर कन्फ्यूज ना होना, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम कांस्टेंट लेके चलेंगे, आप लिख लीजिए एम की पावर एम के की पावर फोर, बट वो कांस्टेंट ही है। Where m is the mass of the body, m is the mass of the body, स्टैंडर्ड बुक में डायरेक्ट सिर्फ लिखा है कॉन्स्टेंट, m is the mass of the body and k is some constant, k is some constant to keep the dimensions correct। अगर नहीं होगा ये सब एम के नहीं लिखना होगा, डायरेक्ट कॉन्स्टेंट लिख देना चाहिए, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 बताओ क्या हो जाएगा, ए आर एल का क्या जी होल स्क्वायर, बी आर एम का होल स्क्वायर प्लस सी आर एन का होल स्क्वायर माइनस टू डी आर एम आर एन माइनस टू ई, बोलो क्या हो जाएगा, आर एन आर एल माइनस टू एफ आर एल आर एम इक्वल टू क्या जी, कांस्टेंट, कांस्टेंट करो चाहे एम की पावर के फोर करो, जो मन करे। देखो र
रख लिया। नाउ रिप्लेसिंग, नाउ रिप्लेसिंग एल आर बाई एक्स, एल आर बाई एक्स एम आर बाई वाई एंड एन बार बाई जेड एंड एन बार एन आर बाई जेड इन इक्वेशन वन वी गेट, इन इक्वेशन वन वी गेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस टू डी, ये क्या हो जाएगा जी एम है ना, वाई जेड माइनस टू ई इंटू क्या जी जेड एक्स माइनस टू एफ एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। Which represents an ellipsoid, which represents an ellipsoid, comma, since ABC are essentially positive, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो हमेशा क्या होगा जी पॉजिटिव होगा, जहाँ भी देखोगे 1 बाई टू एम ए स्क्वायर 1 बाई टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे ही आता है। विच रिप्रेजेंट्स एन एलिप्सॉइड सिंस ए बी सी आर एसेंशियली पॉजिटिव डॉट, दिस इज कॉल्ड द मोमेंटल एलिप्सॉइड ऑफ द बॉडी, this is called the momental ellipsoid of the body at the point O, at the point O। अब आते हैं जी momental ellipse पे, लिखो हेडिंग momental ellipse, लिखो हेडिंग, लिखो momental ellipse, ये भी पूछा गया है नहीं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मोमेंटल एलिप्स ठीक है बाबू, यहाँ पे जहाँ पे जेड स्क्वायर है यहाँ पे क्या आएगा, हम लोग थ्री डी में पढ़ रहे थे, क्या पढ़े थे जी, ये पढ़ेंगे टू डी में। अच्छा ये जो हमने ये यूज किया है ये हमने क्वेश्चन कराया था ना जी, कराया था ठीक। अब जो हम लोग यूज करेंगे वो हमसे आपसे कहे थे कि आप कर लेना, बट आप हमें लगता है अभी तक नहीं किए होंगे। वो जो फार्मूला था हम लोग यूज भी किए हैं, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू एफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मैंने आपसे कहा था इसके बाद आप कर लीजिएगा, बट आपने किया नहीं जी, नहीं किया ना ये चीज़, बोलो जी हाँ नहीं बोलोगे, नहीं क्यों ना, इसके बाद ये था रिजल्ट, नहीं की हो जी, पेज छोड़ी हो अच्छी बात है, मतलब पढ़ोगी आगे, लिखो लिखो मोमेंटल एलिप्स। तो हम उस फार्मूले का तो लिख लोगे जी, सेम टू सेम तो है भाई, अच्छा लिख ही लो, लिखो मोमेंटल एलिप्स लिखो, इन द केस ऑफ प्लेट लेमिना, इन द केस ऑफ प्लेट लेमिना इफ ए कामा बी, ए कामा बी आर आर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस, अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस ओ एक्स एंड ओ आई, ओ एक्स एंड ओ आई एंड एफ बी द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, एंड एफ बी द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया
अबाउट देम, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट देम, देन द, ये तुमको सब पता है ना जी, ये आपका क्या जी, ये एक्स है, ये वाई है, फिगर कोई वो नहीं है, यहाँ मान लो जी क्यू है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा जी, थीटा, लिखो। देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द, क्या लिखे जी, एब द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट देम, इतना लिखे ना, देन देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट अ लाइन ओ क्यू, अबाउट अ लाइन ओ क्यू मेकिंग एन एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ ओ एक्स, विथ ओ एक्स इज गिवन बाई, इज गिवन बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू एफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सेम टू सेम इसमें भी वही काम करना बाबू, देखो, अगेन इफ द पॉइंट क्यू, इफ द पॉइंट क्यू बी सच दैट, सच दैट दिस मोमेंट ऑफ इनर्सिया, सच दैट दिस मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रपोर्शनल, इनवर्सली प्रपोर्शनल टू ओ क्यू स्क्वायर, देन देन वही काम बाबू यहाँ भी है, ये क्या जगह जी, प्रपोर्शनल टू क्या जी, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या, कॉन्स्टेंट अपान क्या जी, आर स्क्वायर, मन करेगा तो एम के की पावर फोर अपान क्या जी, आर स्क्वायर, मन करेगा तो लिख लेना, नहीं मन करेगा तो मत लिखना। विच गिव्स, बताओ जी क्या जाएगा, ए आर कॉस थीटा का क्या जी होल स्क्वायर प्लस बी आर साइन थीटा का क्या जी होल स्क्वायर माइनस टू एफ आर साइन थीटा इंटू क्या जी आर कॉस थीटा इक्वल टू क्या जी कांस्टेंट। ये तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या बी वाई स्क्वायर माइनस टू एफ एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, या लिख लेना यहाँ पे मन करेगा तो, रिप्लेसिंग क्या आर कॉस थीटा बाई y, नहीं जी आर तो x ना जी, x r साइन थीटा बाई क्या जी y v गेट, ठीक है, फिगर से तुमको क्लियर है वो आ जाएगा, ठीक है। रिप्लेस आर का थीटा बाई एक्स आर का थीटा बाई वाई वी गेट दिस, देखो विच रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स, ब्रैकेट में देना, सिंस ए एंड बी विच रिप्रेजेंट्स एंड एलिप्स, ब्रैकेट में सिंस ए एंड बी आर एसेंशियली पॉजिटिव, एसेंशियली पॉजिटिव एंड इज कॉल्ड, एंड इज कॉल्ड, एंड इज कॉल्ड मोमेंटल एलिप्स ऑफ द लेमिना, ऑफ द लेमिना एट द पॉइंट ओ,
मोमेंटम इलिप्स ऑफ द लेमिना एट द पॉइंट ओ। क्वेश्चन लिखो इस पे बेस्ट क्वेश्चन दो जो पूछे गए उसको करा दिया जाए। लिखो सो दैट मोमेंटल इलिप्सॉइड सो दैट द मोमेंटल इलिप्सॉइड एट द सेंटर ऑफ एन इलिप्टिकल प्लेट इज क्वेश्चन लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वन अपान ए स्क्वायर वन अपान बी स्क्वायर इसको तो क्या जी कॉन्स्टेंट। इसको हम प्रूफ कर दें देखना जी कितना हुआ 39. चलो अभी तो हो जाएगा चलो एक 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 तो इसको हम लिखा देते हैं ठीक है ना बाबू। देखो बड़ा इजी है जी अभी देखो वहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है जी मोमेंटल इलिप्सॉइड लिखा है ना तो वही फार्मूला लगेगा बताओ फार्मूला क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या सी जेड स्क्वायर प्लस क्या बताओ टू माइनस ना जी टू डी वाई जेड माइनस टू ई जेड एक्स प्लस सॉरी माइनस टू एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या जी कॉन्स्टेंट। अब देखो बाबू जो भी मोमेंटल इलिप्सॉइड होगा वो क्या होगा जी सिमेट्रिक होगा तो ड्यू टू सिमेट्रिक कंडीशन डी ई एफ ये क्या हो जाएगा जी जीरो ठीक। ए क्या होता है जी अरे इलिप्टिकल है जी इलिप्स है निकालना मोमेंटम इलिप्सॉइड इलिप्टिकल प्लेट निकालना है ना तो हम लोग इलिप्स की बात करेंगे वहाँ पे ठीक है ना। अब बताओ ए बराबर क्या होता है तुम हम लिखाए थे इलिप्टिकल जब इलिप्स पढ़ाए थे तो उसमें लिखाया था ना क्या होता बताओ ओ एक्स के करस्पॉन्डिंग क्या होता था वन बाई टू एम बी स्क्वायर देखो तो सही है ना कि वन बाई फोर आता था क्या था देखो वन बाई फोर है देखो कराया गया था ना पढ़े उढ़े होने जी ये सब तुमको रट किनारे करना चाहिए एलिप्स कहीं पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है इतना पढ़ा दिया है जी वन बाई फोर एम बी स्क्वायर है ना चलो यहाँ देखो अब बी बराबर क्या है जी वन बाई फोर एम ए स्क्वायर और जो सी है उसके क्या है जी परपेंडिकुलर है तो वो भी केस कराया गया है दोनों को क्या करते हैं जी ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए ना जी। अब बताओ यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा वन बाई फोर एम बोलो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई फोर अरे घबरा गया ना जी ये क्या होगा बी स्क्वायर है ना देखो भैया बड़ी दिक्कत है वन बाई फोर एम ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस प्लस सी सी मतलब क्या जी वन बाई फोर एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर क्या जी जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या जी कॉन्स्टेंट। अब हमको ये प्रूफ करना है तो हम क्या करें जी डिवाइडेड बाई किससे देखो वन बाई फोर एम ए स्क्वायर बी स्क्वायर से क्या करते हैं जी डिवाइड करते हैं तो देखो इससे तो एक कैंसिल हो गया बचा क्या जी ए स्क्वायर ना डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी बच जाएगा तो वाई स्क्वायर बाई क्या जी बी स्क्वायर प्लस अब देखो जेड स्क्वायर तो बाहर ले लो ना बाहर हो गया वन बाई फोर ए स्क्वायर है तो जब डिवाइड करो क्या जाएगा वन बाई बी स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर तो क्या जाएगा वन बाई ए स्क्वायर मतलब सब मिला जुला क्या जाएगा इक्वल टू ए कोई कांस्टेंट ही तो है ना तो कांस्टेंट बाई कांस्टेंट कांस्टेंट आंसर प्रूफ हो गया। इसको एक सिस्टमेटिक लिखा दें जैसे इसको लिखाएंगे वैसे जो
एक्सरसाइज है उसमें इलिप्सॉइड की बात कर रहा है, तो इलिप्सॉइड लिख क्या होता है फार्मूला, ये भी कराया है 1/4 एम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नहीं जी ये सब कराया है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो रहने दो, कर लेना ठीक है। चलो लिखो इसको, लेट लेट एम बी द मास ऑफ, लेट एम बी द मास ऑफ इलिप्टिकल, इलिप्टिकल नहीं इलिप्टिक, लेट एम बी द मास ऑफ एन इलिप्टिक प्लेट ऑफ सेमी एक्सेस, ऑफ सेमी एक्सेस ए एंड बी स्मॉल ए, देखो जब सेमी एक्सेस बोल रहे हैं जी तो थोड़ा दिमागवा कहाँ है, सेमी एक्सेस ए एंड बी, और सब कहाँ है जी, वो सब हैप्पी न्यू बना रहे हैं क्या घर जाके, हाँ ठंडी अभी इतना कहाँ पड़ रही थी, हाँ अगर ज़्यादा पड़ती तो हाथ लिखता जी, दस्ताना लगाना पड़ता, नहीं अभी एक दिन बस वही ठंडी पड़ी थी जिस दिन बारिश हुई थी उसके सुबह हवा चल रही थी, अभी हमको तो ठंडी नहीं लग रही जी अभी, लेकिन उधर हमको भी ठंडी छू दी थी थोड़ा सा, और जब छूती है तो बड़ी दिक्कत होती है जी। टेक द मेजर एक्सिस, टेक द मेजर एक्सिस एंड एंड टेक द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, एंड जैसे लिखा रहे हैं वैसे उसमें लिखोगे, एंड अ परपेंडिकुलर लाइन ओ जेड, एंड परपेंडिकुलर लाइन ओ जेड एज द एक्सिस ऑफ, एज द एक्सिस ऑफ रेफरेंस, देन देन चलो अब छापो, रुको फिगर बनाने जरूरत है जी, कुछ फिगर बना लेना, अरे यही है ना एक्स वाई जेड बना लेना बस, ये आपका क्या जी एक्स वाई, ये आपका क्या जी जेड, भाई इसके परपेंडिकुलर रहेगा ना तो आपका जेड, फिगर में कुछ है नहीं, मन करेगा तो बना लेना, वैसे बना ही लेना, कुछ रहेगा तो ठीक रहेगा, नहीं अच्छा लगता है, देखो नीचे से देन लिखे ना ए बराबर लिखो, बताओ क्या जाएगा बाबू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट क्या जी बोलो ओ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे बाबू 1/4 क्या जी एम बी स्क्वायर, ठीक बी बराबर क्या होता है जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्या जी ऑफ द प्लेट किसके अबाउट क्या जी ओ आई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 एम ए स्क्वायर, नीचे से ठीक आता है नीचे से, बताओ अब सी बराबर क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट क्या जी ओ जेड इसको टू क्या हो जाएगा 1/2 बोलो एम ए स्क्वायर प्लस दिस, नीचे से लिखो इफ डी ई एंड एफ, इफ डी ई एंड एफ आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया, इफ डी ई एफ आर द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस वाई जेड, जेड एक्स वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई रिस्पेक्टिवली, देन क्लियरली, देन क्लियरली चाहे क्लियर हो या ना हो, देन क्लियरली क्या बाबू डी बराबर ई बराबर एफ बराबर क्या जी जीरो, ब्रैकेट में लिख लो कैसे लिख लो, सिंस ब्रैकेट में सिंस
द प्लेट इज सिमेट्रिकल अबाउट, द प्लेट इज सिमेट्रिकल अबाउट ओ एक्स एंड ओ वाई, ब्रैकेट बंद। अब लिखो नीचे से, हैंस द इक्वेशन ऑफ, हैंस द इक्वेशन ऑफ द मोमेंटल इलिप्सॉइड, हैंस द इक्वेशन ऑफ द मोमेंटल इलिप्सॉइड एट ओ इज, एट ओ इज क्या होता है मेरे बाबू बताओ, वही लिख लो, कौन सा? हाँ अरे वाला नहीं जी, ए वाला, इसको लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर दिस। अब नीचे से इसको लिख लो, क्या गया फिर से, नहीं जी दैट इज, इसको लिख लो फिर, डिवाइडेड बाई, डिवाइडिंग बाई, डिवाइडेड बाई वन बाई फोर एम ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर लिख लेना द इक्वेशन ऑफ मोमेंटल एलिप्सॉइड, एलिप्सॉइड एट ओ बिकम्स, एट ओ बिकम्स, ये आपको प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन लिखिए, आज कुछ ज़्यादा पढ़ा दिया गया ना जी, ज़्यादा पढ़ा दिया गया, तुम कभी कंपेयर करना, आज हम कुछ फॉर्म में दिख रहे हैं नहीं, आते हैं उस पर क्वेश्चन पे, हम आपको हिंट दे रहे हैं, सेम टू मैसेज छापना ठीक है ना, एकदम सेम टू सेम यही है। चलो देखो जी टाइम हो गया ठीक ठाक, हाँ बस गया, चलो 5 मिनट एक्स्ट्रा ही पढ़ा दें, दुआ दोगे। आते हैं जी क्वेश्चन एक्सरसाइज 2, देखो ये सब क्वेश्चन सीट में है कि नहीं जी, ये नहीं तो ये तो पक्का होगा जी सीट में, सीट देखे हो कि मिलता है रख लेता, बड़ी अच्छी, देखो नोट्स पा जाना उसको अच्छे से व्यवस्थित के रखना बड़ी खुशी मिलती है जी, क्योंकि तुम उस खुशी को व्यक्त नहीं कर पाओगे ठीक है। सो दैट द मोमेंटल एलिप्सॉइड एट द सेंटर ऑफ, मेरे सोना उसमें क्या था, एट द सेंटर ऑफ एन इलिप्टिकल प्लेट था, तो हम लोग क्या बात किए थे जी इलिप्स की। अब इन्होंने क्या कहा, लिखो क्वेश्चन, सो दैट द मोमेंटल इलिप्सॉइड, फार्मूला किसका लगेगा जी, यही वाला ना पक्का, मोमेंटल इलिप्सॉइड एट द सेंटर ऑफ एन इलिप्सॉइड, एट द सेंटर ऑफ एन इलिप्सॉइड इज यहां पे देखो, बताओ सब, वो जो दो ठो नए स्टूडेंट आए हैं जो दोनों गर्ल्स हैं उनको तो पढ़ना चाहिए नहीं जी, इनटू क्या जी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू क्या जी वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू क्या जी जेड स्क्वायर स्क्वायर टू कॉन्स्टेंट। चलो जी डिड यू बताओ, एलिप्सॉइड हमने पढ़ाया था ना, पढ़ाया है, देखो जी बस तुमको पता नहीं है, लगभग पढ़ा सब दिए हैं जी ठीक है ना, हमको भी नहीं पता हम कितना पढ़ा दिए हैं, और खास कर भैया हमको लगता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बहुत क्लास ले लिए जी, बहुत क्लास ले लिए, अगर तुम कभी काउंट करो तो, वीडियो है ना काउंट करना। बताओ जी क्या होगा, क्या होता है, ए बराबर क्या हो जाएगा वन बाई, देखो भाई हमको याद नहीं है जी, पकड़ो क्या होता है वन बाई टू, देखो कितना मिनट लगता है, मिलेगा ही नहीं, कितनी अच्छी बात है नहीं, हम ही खोज लेने कहाँ परेशान करें जी फालतू में, ये सब अच्छे बच्चे हमको लगते हैं क्वेश्चन कराया है ना, याद आ रहा है ना,
कि नहीं कराया है ये भाई, ऐसा ना करना जी, ये क्वेश्चन नहीं कराया है। 1/2b² + c² कराया है जी ये भाई, तुम लोग ऐसे बोल रहे हो जैसे लग रहा है कि 1/5 नहीं आएगा। देखो जी ये तो क्वेश्चन की है लेकिन 1/5 लिखी है तो, अच्छा हाँ 1/5 है जी, देखो 1/5 मिला, 1/5 है जी। अरे भाई हमसे गलती हो सकती है जो, लेकिन जो लिखाया गया है वो गलत नहीं होगा जी, ठीक है ना। ये कितना है जी, 5 मिला जी, उससे पूछ रहे जी, मिला तुम्हें, ठीक है तब। b बराबर क्या हो जाएगा जी, 1/5 बोलो। m क्या हो जाएगा जी, c² + a² ये कितना जाएगा जी, c बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 m a² + b² ए ना जी। सब वैल्यू यहाँ पे रख दो, रख दिया, ये सब क्या हो जाएंगे भैया, 0। तो रख दो तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/5 m b² + c² * क्या जी, x² 1/5 m c² + a² y² + 1/5 m a² + b² * क्या जी, z² = क्या जी, कांस्टेंट। किससे डिवाइड कर दो, m by 5 से डिवाइड कर दो आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन है जी, यही सब बचा था, ख़त्म है, प्रिंसिपल एक्सिस बचा है, उसको हम कल जो है अगर कोचिंग खुली रहती है कल हम नोट्स लेकर आएंगे, उसको लिखवा देंगे, उसे आप पढ़ लीजिएगा और इसको खत्म किया जाए, बहुत दिन चल गया जी। फिर हम लोग स्टार्ट किया जाए 4 in 3 dimension पहला चैप्टर, क्योंकि हमको भी पढ़ना है उसको, आपको भी पढ़ना है, हमको पढ़ना अपने एग्ज़ाम के लिए, आपको पढ़ना है अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। मेहनत दोनों लोग करेंगे, देखते हैं किसको सफलता अच्छी मिलती है, कंपटीशन है जी। चलो बंद कर दो।